बनाने जा रहे हैं चावल की रोटी, जो छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस डिश है। इसे अंगाकर रोटी भी कहते हैं। इसके लिए हमें लगेगा स्टीम्ड राइस, राइस फ्लोर, चावल आटा, नमक, घी और धनिया पत्ती। सबसे पहले हम चावल और चावल आटा को मिलाकर डो बना लेंगे अच्छा सा। उसके लिए हम लेफ्ट ओवर चावल जो रात में बच जाता है वो ले लेंगे, या फिर आप स्टीम राइस बना लेंगे। चावल में नमक मिला लेंगे स्वाद अनुसार और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती ताकि स्वाद बढ़ जाए। सबसे पहले हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से ताकि चावल का टुकड़ा ना रहे इस तरह। अब मैश चावल में हम चावल आटा मिला देंगे धीरे धीरे, जितना लगे उतना। और हम पानी भी यूज़ करेंगे, मगर पहले चावल में जितना पानी है उसको यूज़ कर लेंगे और ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि गूंथने में आसानी हो। इस तरह हम डो तैयार कर लेंगे चावल और चावल आटे का। आप देख सकते हैं चावल और चावल आटा अच्छे से मिल गया है, कहीं से भी ये चावल अलग से नहीं आ रहा है दाना दाना टाइप। अगर आप इसे अच्छे से नहीं मस लेंगे और अच्छे से टाइट नहीं गूंथेंगे तो ये टूट जाएगा रोटी बनाते समय, इसलिए पहले ही इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चावल आटा का डो चिपके ना। यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं तो हम बीच बीच में पानी छोड़ के इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ड्राई भी हो रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी छूते रहेंगे इस तरह, और इस तरह शेप देंगे इसे। जहाँ क्रैक्स है उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे पानी को पकड़कर इस तरह। रोटी का सरफेस फ्लैट करने के लिए मैंने फ्लैट चम्मच ले लिया है, उस पर मैं पानी लगा दूंगी इस तरह और उसको इस तरह प्रेस करूंगी। देख सकते हैं हमने रोटी बना लिया है अंगाकर रोटी। इस ये हर तरफ से एक जैसा थिकनेस है इसमें, देख सकते हैं। इसमें प्लेट पे पहले पानी डाल दिया था इसलिए ये इजली उठ रहा है। इस तरह हम उठा लेंगे। अब हम इसे तवे में गर्म करेंगे। सबसे पहले हम तवा गरम करके उस पर घी डाल देंगे। हम ये घी से बना रहे हैं, आप तेल से भी बना सकते हैं आपको बनाना हो तो। और इसे हर जगह फैला देंगे। घी गरम हो गया है तवा में, अब हम हमारा रोटी डाल देंगे इस तरह धीरे से, और इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। इसे अंगाकर रोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अंगाकर का मतलब है आग। पुराने समय में अंगाकर रोटी को पत्ती के साथ लपेट कर सीधा चूल्हे के आग में रख लेते थे और इसे आग से पकाते थे हर साइड से, इसलिए इसे अंगाकर रोटी कहते हैं। अभी हमारे पास चूल्हा अवेलेबल नहीं है तो हम इसे स्टोव गैस में बनाते हैं। 5 से 6 मिनट हो गया है, हम रोटी को एक साइड से पका चुके हैं। अब हम इसमें ऊपर में घी डाल देंगे, अब इस तरफ पकाएंगे हम इसे। इस तरह मैंने घी लगा दिया है पूरी रोटी पे। अब हम इसे पलटेंगे, उसके लिए हम इसे धीरे धीरे निकालने की कोशिश करेंगे। ये निकल रहा है इस तरह। इस तरह हम 2 चम्मच लेके इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं एक साइड बहुत ही क्रिस्पी ब्राउन कलर का हो गया है और दिख भी अच्छा रहा है। दूसरे साइड भी हम अच्छे से इसे सेक लेंगे वही लो फ्लेम में, और घी तो हमने लगाया हुआ है। आपको और भी खाना है तो साइड साइड से घी डाल सकते हैं, क्योंकि घी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। 5 से 6 मिनट हो गया है, अब हम चेक करेंगे दूसरी साइड
अंगाकर रोटी पका है कि नहीं? इस तरह ये भी क्रिस्पी ब्राउन हो चुका है। दूसरी तरफ से हम ध्यान रखेंगे, इसे लो फ्लेम में हम अच्छे से पकाएंगे क्योंकि ये मोटा होता है, तो हर जगह से इसका पकना जरूरी है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इस तरह हमारा अंगाकर रोटी बन गया है। हम इसे अब गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह और टमाटर चटनी और मिर्ची के साथ इसे गरम गरम खाएंगे। टमाटर चटनी की रेसिपी मेरे चैनल में है, आप देख सकते हैं कैसे बनाना है। ये छत्तीसगढ़ का स्पेशल डिश जो बहुत ही इजी है, आप ज़रूर ट्राई करें घर पर और घर पर सबको खिलाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।